हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज हमारा इस्तांबुल टूर का लास्ट डे है और अभी हम यहाँ से ग्रैंड बाज़ार और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद है आपको इस्तांबुल टूर की जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। और ये बिग बस भी आप ले सकते हैं यहाँ इस्तांबुल में, ये 100 लीरा में आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 hours में सिटी की मेन टूरिस्टिक अट्रैक्शंस का विज़िट करवा देती है। यहाँ सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट से ग्रैंड बाज़ार कुछ ही फासले पे वाक़ है। यहाँ आप ये ट्रैम लेके भी जा सकते हैं और अगर आप बाई वॉक जाना चाहें तो आप वो भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से नहीं है। जी, अभी हम ग्रैंड बाज़ार के मेन गेट से एंटर हो रहे हैं। ग्रैंड बाज़ार दुनिया की सबसे बड़ी कवर्ड मार्केट्स में से एक है। ये इतने बड़े और वसीउ अरीज एरिया पर फैली हुई है कि इसको विज़िट करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए होता है। ये बाज़ार सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने इस शहर को फतह करने के फ़ौरन बाद ही इसकी बुनियाद रखी थी और इसका बुनियादी मकसद भी यहाँ तजारत को फ़रोग देना और दूसरे इलाकों से भी लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना, ताकि यहाँ पर आकर अपनी तजारत करें। इस बाज़ार में आपको मोस्टली ऐसी अशिया ही मिलेंगी जो मोस्टली टूरिस्ट जो है वो जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं, यानी जैसे गिफ्ट शॉप्स हैं यहाँ पे, ज्वेलरी शॉप्स हैं, स्विनियर शॉप्स हैं और इसके अलावा जो टर्किश फेमस स्कार्फ्स और दूसरे जो कपड़े क्लोथिस वगैरह हैं उनकी यहाँ पर शॉप्स मौजूद हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं। ये भी चूँकि एक वन ऑफ दी मस्ट विज़िट प्लेस है इस्तांबुल है और यहाँ भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ का विज़िट करते हैं और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया इसको दुनिया की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन करार दिया गया, जिसमें मोर देन 91 मिलियन लोगों ने एनुअली इसको विज़िट किया। अभी हम मौजूद हैं टेलीफ्रिक स्टेशन के ऊपर, आप इसको केबल कार भी कह सकते हैं। तो अभी अब क्यू में हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से ये केबल कार एक हिल टॉप कैफ़े तक जाती है जहाँ आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लंच या डिनर टी वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ की ख़ास बात ये है कि वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं सिटी के, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं जहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, ये इस केबल कार का एंड पॉइंट है। और ये अभी आप सिटी व्यू देख रहे हैं और ये जो रोड यहाँ तक आ रही है ये गलाता ब्रिज से स्टार्ट होती है, यानी ओल्ड इस्तांबुल से ही स्टार्ट होती है और ये गोल्डन हॉर्न के साथ साथ यहाँ तक, बल्कि यहाँ से भी इस आगे तक जाती है। और ये गोल्डन हॉर्न का आप एंड वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ये आकर ख़त्म हो जाता है और स्टार्ट का जो पॉइंट आपने मेरी लास्ट वीडियो जो बॉस्फोरस क्रूज़ की वीडियो थी वहाँ से आपने देखा था कि वहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर ये एंड होता है। जी व्यूअर्स, ये कैफ़े है, यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे का व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही आप इस नीचे जाने वाले रास्ते पर सफ़र शुरू करते हैं तो आपकी दोनों साइडों पर आप ये देख रहे हैं कि आपको कब्रिस्तान नज़र आएगा। यहाँ इस कब्रिस्तान की क्या हिस्ट्री और डिटेल है ये मुझे ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कब्रों के ऊपर जो डेट्स देखी हैं वो कुछ
नौवीं सदी ईस्वी या दसवीं सदी ईस्वी, ग्यारहवीं सदी ईस्वी की तारीखें मौजूद हैं, और यही वो रास्ता है जो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ तक जाता है। यानी इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे दामन में हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है, और इस पूरे पहाड़ के ऊपर ये कब्रिस्तान मौजूद है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, तो आपने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कुछ इब्तदाई अय्याम जो है वो क़याम किया। और जब पहला इस्लामी लश्कर रोम पे हमला आवर हुआ यानी कुस्तुनतुनिया पे, तो आप भी उस लश्कर के अंदर शामिल हुए, क्योंकि आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शहर की फतह के बारे में फजीलत सुन रखी थी। अगरचे आप बहुत बूढ़े थे, आपकी 72 साल उम्र थी, लेकिन आप फिर भी शौके जहाद में इस लश्कर में शामिल हुए, और अपनी बीमारी की वजह से यहाँ तभी मौत वफात पा गए। और आपकी ही वसीयत के मुताबिक आपको शहर के बाहर एक वसील के साथ दफन कर दिया गया। और जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने इस शहर को फतह किया, और उसके फौरन बाद उसने आपकी कब्र मुबारक को तलाश करके यहाँ पर मज़ार तामीर करवाया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से, और बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ आकर विज़िट करते हैं और कब्र मुबारक की ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, नज़र नियाज बांटते हैं। पहले भी जो सुल्तान है वो अपना ओहदा संभालने और हलफ लेने के बाद यहाँ पर आकर हाज़िरी देने को ज़रूरी समझा करते थे। जी, ये आप मज़ार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं, और ये सामने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।